Hello everyone and welcome to our fantastic day 2 in this vacation. And मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि क्या कैसे हम लोगों ने इस हाई कोरोना टाइम में भी अपने हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखते हुए किस तरह से हम लोगों ने अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखी. वेकेशन की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको कैरी करनी चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी पूरी जर्नी में बरकरार रहे, आप बिल्कुल हेल्दी जर्नी करें. डे नाइट आप बाहर स्टे करने एंड रहने के बाद भी कैसे स्वस्थ रखे रह सकते हैं, एंड साथ में वो कौन सा बेस्ट रेस्टोरेंट है जो कि आपको अपने लंच के लिए प्लान करना चाहिए इन योर जर्नी टुवर्ड्स कोडाईकनाल. एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो जर्नी है फ्रॉम बैंगलोर टू कोडाईकनाल इज कम्प्लीटली ऑसम. कितनी खूबसूरत है ये जो सीनिक ब्यूटी है, एंड आपको इस जर्नी में आपको उतर के किस तरह से नेचर को बिल्कुल अपने करीब से मतलब महसूस करना चाहिए. ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स आएंगे जहाँ पे आपको ज़रूरत है इसे कम्प्लीटली फील करने की, एंड उसके बाद जर्नी के पल पल को कैसे हमने इंजॉय किया, साथ में वो कौन से बेस्ट चाय कॉफ़ी के लिए प्लेसेस हैं जहाँ पे आप उतर के अपने आपको कंप्लीट रिफ्रेशमेंट दे सकते हैं, एंड फिर हमारा कोडाईकनाल पहुँचने के बाद का फैंटास्टिक चिल वेदर का एक्सपीरियंस एंड वहाँ के मार्केट का एक्सपीरियंस. सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग विद दिस ब्यूटिफुल फ्रेश मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग, एंड इसी के साथ मैंने कर दिया है अपने दिन का बहुत ही अच्छा स्टार्ट. रात को बहुत अच्छी नींद ली हमने, एंड अब मैं बना रही हूँ ये मैजिकल मॉर्निंग ब्यूटिफुल ड्रिंक जिसकी रेसिपी मैं आपको बेसिकली अदर वीडियो में बता दूँ. एंड और आ चुका है हमारा गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट हमारे टेबल पे बिल्कुल रेडी. सो अब हम मजे से बैठ के बालकनी के सामने फ्रेश एयर में करेंगे ये ब्रेकफास्ट को एंजॉय, और साथ में करेंगे एंजॉय अपने मॉर्निंग ड्रिंक को जो कि कोरोना के टाइम में हमारे लिए प्योरली एक रक्षा कवच की तरह है, क्योंकि इसके अंदर है सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमारी इम्यूनिटी को कम्प्लीटली बूस्ट करते हैं, जैसे इसमें वॉर्म वाटर, लेमन, हनी एंड अदरक और एप्पल साइडर विनेगर, आंवला एलोवेरा जूस एंड बहुत सारे पाउडर का मिक्स, गरम मसाले का मिक्स एंड बहुत कुछ जो कि मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे इसे प्रिपेयर करते हैं. एंड इन सब के साथ हम करेंगे अपना गर्मा गर्म चाय एंजॉय, और इसके साथ करेंगे अपना गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट एंजॉय. फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट करके नहा वहा के अब हम लोग कर दिया अपने बैंगलोर वाले होटल को चेकआउट, एंड अब हम जाएंगे अपनी जर्नी टुवर्ड्स कोडाईकनाल. एंड ट्रिबू में हमारा होटल का एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा. देयर इज लॉट ऑफ ग्रीनरी अराउंड अस, यू कैन सी दैट. तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी की ओर, कोडाईकनाल की ओर, और हमने अपने बैंगलोर वाले है होटल को चेकआउट कर लिया है, और वहाँ से अच्छे से ब्रेकफास्ट एंड ऑल करके हम लोग निकल चुके हैं. हम लोगों ने होटल ऐसे ही लिया था जो कि हमारे मतलब सेंट्रल बैंगलोर में था, जिससे कि हमारा कोडाईकनाल का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम पड़े. तो अब जो वहाँ से वो 450 किलोमीटर था बैंगलोर से कोडाईकनाल का डिस्टेंस है, और इसमें लगने वाले कुछ 8 hours 45 minutes अराउंड हमें लगेगा पहुँचने में. और ये आइडियली हमें जल्दी निकलना था, बट थोड़ा हम लोग लेट हो गए. तो जल्दी निकलने से आप जल्दी समय पर पहुँच के शाम में आप चेकआउट या चेक इन कर लेंगे अपने होटल को, तो इसलिए. बट और यहाँ पर 26 दिसंबर है, दिसंबर के महीने में भी यहाँ पे धूप है, गर्मी नहीं है बट धूप है, तो वो अच्छा ही है बिकॉज ठंड नहीं है. लेकिन कोडाईकनाल में अच्छे से ठंड होने वाली है, तो देखते हैं आगे आगे की जर्नी हमारी कैसी रहती है. तो वो जो 8 hours 45 minutes की जो जर्नी है वो नॉन स्टॉप है, बट ऑब्वियसली हम लोग खाने वाने के लिए तो बीच में रुकेंगे ही, तो उसमें थोड़ा और टाइम हमारा जाएगा, तो ओवरऑल रात हो जाएगी हमें पहुँचने में. और आगे के लिए आगे देखते हैं. पेट्रोल पंप पे हम लोग रुके हैं और सामने ही हमें मैगी दिख रहा है, तो जल्दी से एक बर्गर ले लेते हैं वहाँ से. तो हमारा शीशा गंदा हो गया था तो हम लोग क्लीन करा रहे थे, और उस बीच में हम जाके बर्गर ले आए, और अब ये बर्गर एंजॉय कर रहे हैं. मैं तो अनहेल्दी चीज़ें टच नहीं करती, तो इन्हें एंजॉय करने दो. कैसे लग रहे हैं? नहीं
ये नज़ारा है एकदम, पहाड़ वहाड़ साथ में, शॉप्स वगैरह अच्छे से, पूरे ढाबे वाबे रास्ते में और हाईवे, पंजाबी ढाबा है, पंजाबी ढाबा होटल, इस तरह के स्टैंड अलोन टाइप के घर बहुत अच्छे लगते हैं। पहाड़ के नीचे पूरे घर वर बसे हुए हैं एक साइड में, और यहाँ पे दूसरी साइड रोड, प्रॉपर हाईवे, गाड़ियाँ चल रही है दोनों साइड, उस साइड भी पहाड़ वहाड़ पूरा अच्छा कमाल का व्यू है, और यहाँ पे साथ ही में प्रॉपर ग्रीनरी, बिल्कुल खेत वेत लगे हुए हैं, ना सही व्यू है यार तमिलनाडु में ऐसे ही पेड़ मिले। हाँ मतलब सही है, पहाड़ है फिर उसके बाद प्रॉपर, मतलब कि खेत खलियान जंगल रोड सारे चीजों का कॉम्बिनेशन है ये। तो गाइस इस जर्नी में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए बनाए रखने के लिए मैंने बहुत सारे चीजें लेके चली है, जैसे कि गिलोय हो गई, तुलसी हो गई, उसके बाद अश्वगंधा और विटामिन डी के कैप्सूल्स। एक्चुअली मेरे मुझे तो थोड़ी कमी हो गई थी, इस वजह से मैं ये ले रही हूँ, और ये है मल्टीविटामिन। सो ये सारी चीज़ें मैं अपने साथ कैरी कर रही हूँ ताकि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे, साथ साथ बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारे फ्रूट्स, ताकि हम अपने जर्नी में खाते पीते रहें और हेल्दी चीज़ें खाते पीते रहें। पहाड़ पर्वत पानी ग्रीनरी रोड सब कुछ, फाइनली हमें कुछ ढंग का जगह मिला है, तो हम लोग यहाँ स्टॉप करते हैं खाने के लिए। हम लोग अभी लंच के लिए अड्यार आनंदा भवन में रुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं भीड़ से ही, ये बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है तमिलनाडु का, चेन्नई का, और इसमें हम लोग वैसे हम लोग जो डिश लेने वाले हैं वो नॉर्थ इंडियन ही है एज पर आर टेस्ट। मेरा तो सही में तो ये यार तमिल स्पेशल जो मील होता है वही लेने का मन था, बट जस्ट इनकी वजह से हम लोग अभी ले रहे हैं एक ऑथेंटिक तमिल रेस्टोरेंट में बैठ के। हम लोग ऑर्डर किए हैं क्या, कढ़ाई पनीर एज यूजल, कढ़ाई पनीर मतलब पनीर के डिश और बटर रोटी, कोई सिखाओ इन्हें जो ऑथेंटिक जगह पे ऑथेंटिक चीज़ें ही खानी होती है। तो ये आ गया है हमारा कढ़ाई पनीर और बटर रोटी। मेरा तो मन कर रहा है कि हम यहाँ की मील मंगवाएं ऑथेंटिक वाली। वैसे मैंने यहाँ की कढ़ाई पनीर टेस्ट की और ये सच्ची में बहुत अच्छा है, तो हमारा नॉर्थ इंडियन डिसीजन गलत नहीं है। गाइस हम लोग अद्यार आनंदा भवन में हैं, एंड हम इसको रिव्यू करना चाहते हैं इस रेस्टोरेंट को। ये हम लोगों ने कढ़ाई पनीर ट्राई किया था, कढ़ाई पनीर और बटर रोटी ट्राई किया था। मतलब आई शुड से कि कढ़ाई पनीर टोटली मतलब काफ़ी डिफरेंट टेस्ट था, बहुत ही अच्छा था। जो साउथ इंडियन स्पाइसेस का यूज़ करके उसको बनाया गया था वो इतना अच्छा अलग टेस्ट ऐड कर रहा था उस डिश को, एंड हम लोगों ने हमारा पेट भर गया था। स्टिल हमने एक और ऑर्डर किया, हालांकि हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, बट स्टिल इतना बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। तो आई वुड से कि आप लोग अगर तमिलनाडु में आए तो अद्यार आनंदा भवन का कढ़ाई पनीर ज़रूर ट्राई करें। और वैसे यहाँ पे दो मील में दो चीज़ें थी पनीर के डिश में, एक कढ़ाई पनीर और पनीर बटर मसाला। तो हम लोगों ने उसे दूसरा ट्राई करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज हमें जो कढ़ाई पनीर था वही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो आई वुड से ये मस्ट ट्राई रेस्टोरेंट है जब आप आते हैं तमिलनाडु में। वैसे भी ये यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट्स में से एक है, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें। सो
डाइजेस्ट करने के लिए मेरा ड्रिंक। हाँ, हम लोग इतना ज़्यादा थके कि हमें अब लेमन वाटर ड्रिंक की ज़रूरत पड़ी इसे डाइजेस्ट करने के लिए। So guys, it was not possible to cover everything in this one video. बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए मैं लेके आऊँगी आपके पास दूसरा पार्ट आज के दिन का बहुत जल्दी। एंड तब तक के लिए वेरी गुड बाय। आप लोग कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब सो दैट जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ उसका सेकेंड पार्ट तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी हर आने वाली वीडियोज़ एंड इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स का। बाय बाय गाइज, लव यू सो मच।